Yeah, they're about in. ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੇਬ ਜੀ ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਸੋਣੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਈ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੱਕ ਗਿਆ ਜੀ ਕਰੋ ਅੱਛਾ ਐਸੇ ਇਹ उनके दोनों के सर साफ है अब मेरा कोई देखने वाला नहीं ना मैंने उसी को सिर्फ दिखाई इतना मजा आ रहा है नींद आना शुरू हुई है मेरी तीन होनी बस आती है अभी मैं जुमे नहीं खाते मालिश कराते मैं तो सो जाती हूँ मैं भी सो जाती हूँ ऐसे चल रहा था नहीं हम पंखा लगा के बैठे हुए तो फिर वाकई लाइट गई नहीं लग रही है बिल्कुल ऐसे मतलब सही पटक पटक आवाज आ रही है इनकी जायना का तो मैंने जायना का बिल्कुल एकदम जायना का साफ है और जोहर का भी साफ है हाँ यहाँ इतनी होती है मुझे इस जगह है इधर तो आई है मुझे कभी कभी ना वो ब्रीक ताकड़ा नहीं मुझे ऐसा लगता वो है और सिकरी चेक करना है सिकरी वाकई नहीं सिकरी नहीं है आपके सर में ये मुखे वो है ना आप तो कह रहे सिकरी है मामा आपके सर में बड़ी नहीं आपके सर में सिकरी नहीं जानी अभी टाइम आपके सामने है ना
आगे दिखाना था, मैंने कहा गेस्ट उस सुबह भी टाइम आया था रोशनी में ना, सुबह उस रोशनी में जो हमारे वाला कमरा नहीं है बेडरूम, उधर रोशनी बड़ी प्यारी आती है, टेरेस वाला कमरा। ये शुक्र करो मेरी नजर सही है, नहीं तो मुझे नजर नहीं था आना कुछ भी। उधर क्या मसला है समझ नहीं आ रही, देखो इधर मुझे दिखाने। गोल्डन है ना तो वो घूम जाती हैं। अब इनमें कलर करने हैं नया सा ऑपरेशन। हजरत बीबी आमना ये स्टडी करती है, शी इज अ डॉक्टर है, मुंह देखते हैं ना, शी इज डॉक्टर पक्की रेखा, मतलब दिहाड़ी हो रही है तो जुआ सिर बाहर निकल रहा है जिन्हें आप पक्की नहीं। नहीं नहीं ये डॉक्टर नहीं है बेटा, आपा से थोड़ी हेल्प ले लो ना। हाँ ये डॉक्टर नहीं है, ये कौन है, आपा से ले लो थोड़ी हेल्प, उसका तो वो तो डॉक्टर है, उसने गले में डाल दिया, मतलब है कच्ची नहीं है ना, मेरा दिल करदा तेन नाल ला के ते पहाड़ियां गणा ते जोंदे कि तू अपने अब्बे ते कर दे लग गई है, ये मानो ये जो ये मानो। अच्छा लिखे ना आपसे ज्यादा आगे आ गए हैं, पीछे नहीं है ये ना देखें, सिर्फ इससे आगे वाली साइड पे लिखे हैं, ग्रे कलर भी करने हैं। हाँ वो पीछे वाले ऑक्यूपेशन वाला जो इधर कलर इधर पड़े हुए हैं, इधर से निकाल दिल कर दे, मेरा दिल कर दे, मैं फाड़ के पटाक पटाक काट के मारा, तुम शौक होता से ना, मैं बड़ा शौक होता है, मैं मजा नहीं आती, मैं बसर मदरसा दी रात में चवानी देख के जुआ काट दी होती, गोल्डन है ना तो जरा सी वो बाल इधर उधर होना तो छुप जाती है वो जुआ गोल्डन चिट्टिया वाइट भी है, मतलब सारी ये देखे ये कुछ ये देखी ये वाइट है ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਚਿੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਭਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹਾਂ ਯਾਰਾਂ ਸੁਣਾ ਕਿਆ ਵਾਟ ਡਸ ਦ ਫਲੈਗ ਆਫ ਹੈਵ ਔਨ ਇਟ फ्लैग कर लो लिखते हैं नहीं नहीं चांद तारा वे फ्लैग के ऊपर क्या बना हुआ है ये पूछ रहे मून एंड स्टार अबे नाक मार इसको नजर लगी है मेरी फूफी दी लगी है तो जाने दी लगी है नहीं मुझे मेरी भी लग सकती है क्योंकि मुझे बड़ी प्यार लग रही थी जब मैं आई थी ना मुझे मेरा सर जरा थका हुआ बड़ी शौकीन दिखाने की मैं खुद बहुत मुझे बड़ा मजा आता है हालांकि मेरे सामने जुए ना भी हो ना मुझे फिर भी दिखाने का मजा आता है आपकी मामा बड़ा कर देती है आशा भी देखती है अब तो मामा को तो नजर ही नहीं आती नहीं चाची नहीं अब देखती उसकी नजर अभी भी उनको तल्ले कर कर के दिखाना पड़ता है वो तो सच किरदियां किरदियां होती हैं जिन्होंने होना नहीं कर दी अच्छा आ पटक पटक नहीं और ये ऐसा नजर भी सही हां नजर उजमा दी तो चलो हो गई है ना पक्की लिखे हैं आपके सामने सुबह ए एंड डी एंड बेटा नहीं है एंड का साइन ना ना बनाओ आप ए एंड डी ऐसे करके ना उसके ऊपर क्रॉस आ जाता है ऐसे करके छोटा एस मैं चार दिन हो गए ना अपनी तीर लाख कोट 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 चाकर छोड़
ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦਾ ਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਬਾਜੀ, ਜੈਨਾ ਦਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਸੀ ਆਪ ਹੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾਲੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ पीछे कोई नहीं है, ज्यादा आ गई है यहाँ मुंह के आगे। हाँ वो जरा सी वो लाइट इधर उधर हो ना तो वो घूम हो जाती है ना पिछो देखिए इतने मुंह दे अगे ना चादर पेंदे ना इतने निकल दी हो गया निकल जिन्हिया पक्षियां लिखे ने ना दी जोई बन गया। हां जी जान ग्रीन कर दो ना, व्हाइट तो ऑलरेडी उसमें हुआ। ग्रीन है मम्मा की बात मान। ग्रीन करो कलर बड़े में, बड़े हिस्से में नहीं दूसरे वाले में, बड़े हिस्से में। हाँ यहाँ करो ग्रीन, बाकी छोड़ दो आधा। रोजी तक कोई तक तुक नहीं निकल रही, नहीं लिखे हैं तक तक है बन नहीं सही ना। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਹੋਰ ਲਿਖਾ ਪੱਕੀਆਂ ਜੋ ਹੋਈਆਂ ਪੱਕੀ ਲਿਖੇ ਰੱਖੇ ਮੈਂ ਖਾ ਬਣੀਆਂ ਫਿਰ ਜੂਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਅਦੇ ਵੀ ਸਨ ਸਾਡੇ ਸੱਚ ਜੂਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਸੱਚ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੂਆ ਕਾੜ ਕੇ ਦੇਖਾਂ। ਯਾ ਬੱਚੀ ਬੋਲੀ ਲਿਖ ਹੈ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। इस जगह भी बड़ी होती है मुझे, और ये जो जगह है ना इधर तो बड़ी जगह होती है। आपके सारे सर में लीके काम है, सिर्फ मुंह के आगे जो है ना लीके ज्यादा है। इतने भी पुतल होंगे तो चांद नजर आएंगे। ये भी होता है हां, वो आगे आगे से रोशनी पड़ी है ना इतने अंधेरा हो गया। ये वहां अच्छा ऊपर जो लिखे है ना मतलब बिल्कुल मास्क के साथ है, और जो नीचे वाले लिखे है ना ये मतलब बालों में है मतलब तेरे हाँ ऊपर ऊपर वाले बालों में मोटी जो भी है इस पे जो से मर्जी कलर कर दो। हाँ उसमें मैं अपनी मर्जी लेकिन चारों में लदा लदा करना ना। यहाँ पर एक लाइन लिखी है, उन्होंने कहा है अल्लाह ने कुरान पाक प्यारे नबी पर नाजिल किया। हाँ तो हमारे नबी कुरान पाक पर। हाँ आपको नहीं पता जैनब रोन किधर नहीं छुट्टी मांगी है अब बाजी ये कम दिया दो दिन होंगे खुले मैदान पाकिस्तान का वो तो ग्रीन ही होगा।
ਤੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਧੁੱਪ ਚ ਸਵਾ ਧੁੱਪ ਚ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਇਤਨੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਹਾਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਦੋ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦੋ ਦਿਨ ਮੰਗਲ ਬੁੱਧ ਜੋ ਗਰਮੀ ਕੁਛ ਹੋਤਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਜਬ ਵੋ ਹੋਤਾ ਨਾ ਸਪੋਰਟ ਗਾਲਾ ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਬ ਹੋਤਾ ਉਸਸੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾਤੇ ਹੈ ਵੋ ਫਿਰ ਇਨਕੀ ਵੋ ਖੇਲ ਹੀ ਚਲਤੀ ਰਹਤੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਪੀਰੀਅਡ ਬਾਹਰ बदतमीज है एक मिनट में छुप जाती है ये देखें ये ना कोई पसीने की वजह से ही बनती है क्योंकि नीचे वाले बाल जो है ना ये देखेंगे अभी भी गीले होंगे जी अभी भी सारे गीले हैं वो तो ऐसे गीले जैसे अभी आप मतलब अभी नहा के आई हैं भाई 6 बजे की नहाई है ये वाइट लिखे हैं हां ये पेपर पसीने की पड़ी है ये देखिए ये भी है पोटी जूने अजे तक लगी आप ही कहते पहनने तो बाद बन गई है ना लिखों के बाद पहला मोटी आती है तो लिखा होती है ना कोई गंद मोटी नहीं पाया बाजी वो पसीने की वजह से ना भी पैदा होती है अच्छा मैं वही कह रही हूँ मुझे बड़ी ये देखे कितनी छोटी है ये तक है कितनी छोटी सी तक है मुझे बोला कैसे नजर आई है जब वो हिली है ना अभी नहीं मरी मरी मुझे नहीं तो लगा मरी नहीं वो जब हिली थी ना मुझे तब पता चला था कि तक है वरना मैं मुझे लगा शायद गांधी है वो हिली थी इधर इधर ही मुझे लग रही है नहीं आप ठीक है वो ही बालों के ऊपर थी छिदके जावा नीवे वाड़ी जावा अपनी मानो तो अपनी जोनो तो वहाँ पे ना आपी का बेटा था छोटा सा पता नहीं कितने महीनों का होगा वो उनको कहती है नहीं मेरा तो दिल करता है तेरा मुंडा अपने घर गई है इनको इतना बच्चों का शौक नहीं था प्यारा था वो बच्चा हाँ प्यारा फिर तो नहीं था प्यारा सी क्या नहीं था प्यारा था तो लेकिन दादा कहती है नहीं मेरा तो दिल करता है इन्हीं नंद था बेटा अच्छा उसको जितने देर वहाँ शादी पे रही है ना उसको दादा ने पकड़ के बैठी रही किड्डा हुआ छोटा सा ही था तब इधर की दो टाइम ना तीन नामी नहीं तो चुप रह लंदा सी तब हमारे पास चुप हो जाता था अपने पास रोता माँ छुट्टी फिर दी थी तो मैं ले आके बैठ रही था तो बच्चा खेल था अच्छा एंड कर दी ना तो सो जाती इधर भी लग रहा है दो है तक कर नहीं देखिए नीचे नीचे ना बिठाने का है तक है ना बहुत छोटी है बहुत मुश्किल से मामा एक दिन सारे एक के सारे के अंदर से ना एक जून निकाली है ना मामा इसको बड़ा शौक है मेरे सर में जुए पड़े पर वो अलग बात है कि पड़ती नहीं है इधर कभी पहन ना उसे तो वहां भी रही ना फिर पता हो जाए चंगा करती है हाँ
काका कोई बच रहा है आपका, कोई काका बच रहा है आपका। दादा पास के पेट में दर्द हो रहा है, मिनट में पेट में नहीं बाजी भूख लगी है। अच्छा पाठ में फिर कुछ नहीं होता तेरी गोदी च? नहीं 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 बिल्कुल नहीं। यार घंटा हो गया था फिर पेड़ ना नहीं, वो उसको कर ली है उसने। मेरी तो नजर नहीं ध्यान नहीं बिल्कुल बड़ी कभी गर्मियों में सिकरी होती है मेरे सर में, गर्मियों में सिकरी है मेरे सर में, तो पता नहीं सर्दियों में होती है बस। मेरा सारा साल ही रहती है ज्यादातर। गूगल अच्छी अच्छी बातें नहीं बता रहा, सारा स्टोरी दे। पप्पा मुझे ना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ना एक मतलब ऐसे लिखना है 10 लाइन का उर्दू में, उर्दू में क्या लिखूं? हमारे नबी छोटों पे शफ़क़त करते थे, बड़ों का एहतराम करते थे। हमारे नबी क्या है? छोटों पर शफ़क़त करते थे, छोटों से मोहब्बत ले लिया सबका लफ़्ज़। शफ़क़त शौकत नहीं, शफ़क़त की शफ़क़त मतलब रहम दिली प्यार सलूक। ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਸੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣਦੀ ਕਿ ਖੇਡਦੀ, ਛੱਡ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਝੂਲੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ ਫੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਰਤਨ ਵੀ ਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿ ਬਾਲੋਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਲ ਚੁੱਭ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਕੇ ਬਾਲ ਗੀਲੇ ਹੈ। इसी जगह मामा ये लाइन हो गई, मैंने ये 2 लाइन गूगल से देख के, 3 लाइन ये देखे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजी अल्लाह ताला अन्हु, और वालदा का नाम हजरत बीबी आमना था। और मैंने ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियां थी। लाइना लिखना ही था, मक्का में पैदा हुए ये लिखना था, उनकी विलादत तो और पैदाइश लिखनी थी बेटा, इतना इजी है। मैंने ये भी लिखा ना भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 मार्च, मैंने मार्च लिख दिया 11 रबी अव्वल को बेटा, मार्च उनका तो पता ही नहीं है वो किस, तो रबी अव्वल का भी मार्च ही होता है बेटा, वो मार्च में किसी भी महीने में आ जाता है, वो तो देसी महीने है, मतलब कराची में पैदा हुए हैं। अपने से नहीं इस तरह बनाते बेटा, तो मुझे नहीं पता वो किधर पैदा हुए हैं, मक्का मुकरमा में पैदा हुए, बता तो रही हूँ। पता था उसको, अब नहीं ना पता है, आप ही को सवाल नहीं सुनाती, उससे ये सवाल पूछने थे ना आपको। नीचे नीचे नहीं, ऊपर ऊपर छोड़ दो, अभी तो मुझे मिल रही है। मेरे
ਬੈਠਣਾ ਮੇਰੀ ਆਪਾ ਰੋਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਕੌਣ? ਮੇਰੀ ਆਪਾ ਰੋਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਕੌਣ? ਅਲੀ। ਅਲੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਤਾ ਮੈਂ ਨਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ। ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਫਿਰ ਮਾਰ ਜਾਓ, ਕਤਲ ਮਾਰ ਜਾਓ। ਕਹਤਾ ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂ ਸੇ ਲੋਗ? ਕਹਤਾ ਵੋ ਤੋ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਸੇ ਲੈ ਲੂੰਗਾ। ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਕੌਨ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਸੇ ਲੋਗ? ਕਹਤਾ ਨਈ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਸੇ ਲੂੰਗਾ। ਜੋ ਛੋਟਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਬਾਤੇ ਬਾਜੀ ਕਰਨੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ। ਹਮ ਨਾ ਬਾਇਆ ਡਾਲ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਮ ਕਹਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਥੇ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਤਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋ? ਛੋਟਾ ਹਾਂ ਵਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਤਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋ? ਸਹੀ ਬਾਤੇ ਕਰਤਾ ਪਰ ਥੋੜਾ ਤੋਤਲਾ ਤੋਤਲਾ। ਸਲਾਮ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੀ ਮਾਮੀ। ਸਲਾਮ ਕਿਸੇ ਕਰਤਾ? ਅਸਲਾਮ ਸਾ ਤੂੰ ਪਤਾ ਕਿਆ ਹੀ ਕਹਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਕਬ ਲਿਖਣਾ ਆਤਾ? ਜਬ ਵੀ ਆਤਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਸੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸੇ ਜਾਏਗਾ, ਸਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਬੜੋ ਕੋ ਬੁਰੀ ਆਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੋ ਉਧਰ ਸਕੂਲ ਮੈਂ ਤੰਗ ਕਰਤਾ ਮਾਂ ਬੜਾ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤੰਗ ਆਤੇ ਹੋ, ਸ਼ਰਾਰਤੇ ਕਰਤਾ ਉਨਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਆਰੇ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਬੋਲੀ ਮਾਰ ਕਰ ਮਾਰ ਮਾਰ। ਇਹ ਕੌਨ ਸੀ ਕਲਾਸ ਇੱਕ ਪੜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਗਿਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਆਈ ਤੂੰ ਪੜਾ ਕੌਨ ਸੀ ਕਲਾਸ ਪਰ ਤੂੰ 1 ਔਰ 2 ਕੋ? ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸਮਾ ਵੇ ਚਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਤੀ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ ਮਰ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਕਿ ਦੇ ਦੋ ਕੁਛ ਜੁਖਾਰ ਹੋਗਾ ਲੈ ਦੇ ਦੋ ਥੋੜੀ ਮੁਝੇ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਤੀ ਹੂੰ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਉਹ ਆਗ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਮਲਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਆਏਗਾ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਪੁੱਛੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸਕੋ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਮਾਮਾ ਤੋ ਮੈਨੇ ਇਹ ਲਿਖਾ 11 ਬੀਵੀਆਂ ਦੀ ਤੋ ਉਸੇ ਰੇਸ ਤੋਂ ਤੇ ਕਿਆ ਲਿਖੂ ਮੈਂ ਔਰ ਕਿਆ ਇਹ ਠੀਕ ਤਾਂ 11 ਬੀਵੀਆਂ ਆਈ ਥੀ ਉਨਕੀ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਛੋੜ ਦੋ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਨਾ ਛੋੜ ਦੋ ਅਗਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਉਸੇ ਅਗਲਾ ਕੈਸੇ ਕਰੂੰ ਤੋ ਲਾਈਨ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਗਾ ਤੋ ਕਿੰਨੀ ਲਾਈਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਭੀ 7ਵੀਂ ਪੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। सबसे पहले लिखना चाहिए था हमारे नबी सारे नबियों में से आखिरी नबी है। हाँ, वो मक्का में पैदा हुए फिर उसके बाद उनकी विलादत और पैदाइश का दिन लिखना था फिर उसके बाद लिखना था कि उन पर उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। नहीं मैंने ये लिखा नबी के वालिद का नाम और उनकी वालदा का नाम 3 में और आपकी 11 बीवियां थी और अल्लाह ने कुरान पाक हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटों से मोहब्बत और बड़ों का एहतराम करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साल की उम्र तक कभी झूठ नहीं बोला। आप ऐसे नबी थे जिन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। नहीं कितने साल की उम्र? 63 साल की उम्र तक अलैहिस्सलाम ने सारी जिंदगी सादगी से गुजारी। हाँ वो अपना काम खुद करते थे। किड़ियाँ लाना मर जानी है। इसने से ये सारी पढ़ी हुई है सारी चीजें इसको बचपन की पढ़ी है खुल जाती है। हमारे खुद कभी कोई जेंस निकल जाए लफ्ज लिखने में मुझे कभी जेंस नहीं आता बाहर नहीं आता। हाँ ये तो ऐसे तो उसका कंबल दे देना उसका कंबल है कंबल है दूसरों को तो गर्मी नहीं ना आपकी बेटी को लग रही है तो बजे छोटा कंबल भी है जो बालू जड़ा बने ना बालू
ਬਾਲੂ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੈ ਨਾ ਲਗਾਓ ਮੱਕਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੱਕਾ ਨੀ ਲਿਖਣਾ ਆ ਰਹਾ ਮੱਕਾ ਨੀ ਲਿਖਣਾ ਆ ਰਹਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਚੱਲ ਚੂਸਣੀ